का योग भरत के पास जा रहा है। अच्छा, भरत जी को राजयोग है। फिर यदि किसी नारी के द्वारा आज ही रात्रि में, कल नहीं केवल आज ही जो कुछ हो आज ही हो, हो यदि आज किसी नारी के द्वारा कोई क्रिया चरित्र किया जाए तो इस अयोध्या के युवराज भरत लाल बन सकते हैं, अन्यथा प्रातः काल होते ही श्री राम जी अयोध्या के युवराज बनेंगे। जय हो पंडित, तुम जाओ, तुम्हारे लिए मूत की दाल भेज, मूत की नहीं मूंग की भेजना। पंडित बाबा ने बताया कि अगर किसी नारी के द्वारा षड्यंत्र किया जाए तो भरतलाल अवश्य राजा बन सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी अयोध्या में उस नारी को कहां ढूंढने जाऊं, कहां को जाऊं? याद आया, मुझसे अच्छी कोई नारी है क्या? मैं जा रही हूं महारानी को वो बात याद दिलाऊंगी। जब महाराज ने विवाह किया था तो कहा था महारानी के कई से कि जो तुमसे पुत्र उत्पन्न होगा वो राजा बनेगा। हाँ, ये बात अवश्य याद दिलाऊंगी, तब महारानी समझेगी, लेकिन ऐसे नहीं रोती हुई जाऊंगी। भरत मात पह गई बिलखाना, भरत मात पह गई बिलखाना, भरत महत बह गई। मैं क्या देख रही हूं, मेरी दासी रोती भी लगती, ऐसा क्यों? ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। जब भी मेरी दासी मेरे पास आया करती थी, बड़ी मीठी मीठी बातें किया करती थी, आज रोती हुई चिल्लाती हुई आ रही है, क्या कारण है? जाकर के देखना चाहिए। और आप हैं मेरे भैया श्री सुमित तिवारी जी, आपकी ओर से 251 रुपए रामलीला समिति को प्रदान हो रहे हैं, भगवान इनका कल्याण करे। रामलीला कमेटी की ओर से बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय श्री सुमित तिवारी जी को। दासी, क्या हो गया तुम्हें, क्यों रो रही हो, क्या कारण है दासी, बताओगी नहीं? मैं जानना चाहती हूं क्या हो गया तुम्हें। बैलों में सब प्रकार की कुशलता तो है ना दासी, मेरा बेटा राम कुशल से है, महाराज कुशल से है, ये भी बात नहीं तो क्या प्यार बात है। देखो, हम सब रानियों ने 16-16 श्रृंगार किए, तुम हो कि बाल बिखेरे गाल फुलाए, रोती बिलकती मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारा ये। हम सब ने शीश उठाए हैं पर तूने बाल बिखेरे हैं, जो रो रही ये सगुन सायस तो ये कैसे लक्षण तेरे। या कहीं झगड़ कर आई है, तेरा किसी से झगड़ा तो नहीं हो गया? या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है? दासी, मेरी सौगंध बता जल्दी, दासी क्यों तुझे उदासी है? दासी,
उदासी करना तो शीघ्र बताओ क्यों उदास हो, क्या कारण? अरे महारानी कितनी भोली हो तुम, तुम्हारे साथ में अन्याय हो रहा है फिर भी तुम पहचान नहीं पा रही हो कि कौन मेरा है कौन पराया है। अरे देखो देखो रानी जी घर घर में हो रही है धूम, कल रात तिलक है राम का तुम्हें नहीं मालूम। अब सबकी कुशलता पूछती हूँ तो सिर्फ एक की कुशलता है, राम ही छाड़ कुशल के प्याजू जय ही जनेश दे युवराजू। राम को छोड़ करके और किसी की कुशलता नहीं है जिसे राजा युवराज पद दे रहे हैं। और महारानी जिसको राजपाट मिल जाएगा उसी की चारों तरफ जय जयकार है, ऐसे अगर राम को राज तिलक मिल गया उसी की चारों तरफ जय जयकार होगी और तुम्हारे भारत की जय जयकार नहीं होगी। महारानी जिसका जिसका कल होगा राज तिलक तो मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं रानी ये फंद उसी का है। अब तो तुम्हारे भाग फूट गए, अब तो उसके भाग जाग गए खुल गए भाग। अब कौशल्या के है दया उसी पर बेदेना की, रानी किस घोर नींद में हो आलोक चाल निज राजा की। आप हैं पलक राजपूत जी बिलगांव, संदीप लोधी, रजनेश लोधी, भरत लोधी और रब्बी लोधी 21 मुद्रा सुंदर संवाद पाठ प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो वो हो गए हैं रंग में भंडरक है तू, तू समझ रही थी कि राजा मेरे कच्छ में आते हैं पासे खेलते हैं तो मेरे हैं, और इसी कच्छ में आते हुए जब तुम्हारी कौशल्या बहन देखती रही तो वह ईश्वर रूप बार छुपा छुपा कर रखती रही। आज तुम्हारा बेटा ननिहाल चला गया तो अब वही बाण चला रही है महारानी वो है। और आप है हमारे नरेश आचार्य जी, आपकी ओर से भी 21 मुद्रा सुंदर संवाद पर प्रदान हो रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। महारानी अब वही स्वरूपी बाण छुटा रही है वो है तीर निकाली ने साथ मिल करके राम को युवराज पद दे रहे हैं, देश में न्योते भेज रहे थे, क्या भरत लाल को ननिहाल से नहीं बुला सकते थे? ये सब चाल कौशल्या की है महारानी, लेकिन तुम भोली हो इसीलिए तू रोटी में लगती मेरे पास आई। हाँ यही कारण है। हाँ निकल जा मेरी नजरों के सामने से, दूर हट जा कहीं घर पर चल निकल। पुनियस कबो काज घर फोरी तब धा जीप कराऊं तोड़ी तेरी जीप नकरा लूं घर फोरी। निकल जा दूर हट जा मेरी नजरों के सामने से, काने खोरे कूटले कुटल को चली जान काज कर इस दासी को, चल निकल यहां से चंदा आलिनी किस
बिना मत तेरी मारी है जो सुख रुई की ढेरी को तू बन कर आई चिंगारी अब के जो ऐसे वचन कहे जानती है अगर दोबारा तूने उन वचनों को कहा तो क्या करूंगी अब के जो ऐसे वचन कहे